कोरोना वायरस की वजह से सुबह में महामारी जैसे हालात हो गए हैं, जहां सरकार की तरफ से कोई भी सहायता दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं पटना जिला के कुरथौल गांव के कुछ लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए सहायता सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिससे कुरथौल गांव के गरीब तबके लोग ऐसे नेक काम के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। जहां लोग पैसे के अभाव में भूखे सोने को मजबूर हैं, तो ऐसे में उनके लिए लोग आशा की किरण बनकर आए हैं। जब हमारी डेमोक्रेटिक टीम की स्थानीय सेवा समिति के लोग से बात की तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर मेरा नाम हो गया कमलेश गुप्ता। अच्छा, ये कहां से मन में इस तरह का भाव आया? सर हम लोग विचार किए कि गरीब मजदूर जो भी व्यक्ति हों उनको घर घर। अच्छा, ये सामग्री जो आप वितरण कर रहे हैं इसके लिए कोई फंडिंग कोई कहीं से आ रहा है या फिर आप अपने पकड़ से कर रहे हैं? हम लोग अपने से कर रहे हैं और समाज सेवा जो भी आ रहा है उसे। बहुत ही भावुक हो गए हैं आप और ये बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तो विभिन्न संस्था के लोग भी हैं, लेकिन हम लोग संस्था नहीं स्थानीय कुरथौल गायत्री नगर के सेवा समिति के रूप में काम कर रहे हैं। और जैसे कमलेश केसरी जी हैं, हाँ गुप्ता जी, और शिवजी भाई हैं, बबलू जी हैं, हमारे अनिल गुप्ता जी हैं, सुधीर जी हैं, ये सब के मन में एक भावना आया कि इस कोरोना वायरस में हम लोग उस घर में कुछ मदद करने के लिए चले जिस घर में चूल्हा नहीं जुट रहा है, जो दिन डेली दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली रोज़मर्रा की काम करते हैं, उनका काम बंद हो गया लॉकडाउन के चलते। तो वैसे घरों को हम लोग चिन्हित करके उसमें राहत सामग्री पहुंचाने का काम यानी चूल्हा जुड़ने का काम करेंगे। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने DM साहब से बात किया तो DM साहब कहा कि आप लोग के जो भी वितरित करना है वो स्थानीय थाना इंचार्ज के नियंत्रण में कीजिए, जो कि 29 तारीख से चल रहा है। सर बहुत सराहनीय ढंग से बट रहा है उनके निर्देशन में और हम लोग को भी खुशी अंदर से हो रहा है कि हम कम से कम गरीबों को काम आ सके हैं, इसी भावना के साथ। जी जरूर, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? हाँ पूरी तरह से सर। हमारे कैसे वितरण कर रहे हैं, ये भीड़ लगा के या फिर उनके घर पहुँचाया जाता है, क्या माध्यम है? घर में भी पहुंचाने का काम किया गया है, जिस घर में मने कि क्या बोलते हैं जाने में अथी है, तो इंस्पेक्टर साहब के निर्देशन में हमारे जितने टीम के लोग हैं उनके घरों तक अनाज पहुंचाने का काम किए हैं। अगर जहां गली संकीर्ण रोड मिलता है तो वहां क्या कहते हैं जो सामूहिक जगह है वहां अनाज को रख दिया जाता है और सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उनको नाम पुकारा जाता है, जो कि इंस्पेक्टर साहब अलाउंस करते हैं और वहाँ रखा सामग्री को मने कि क्या बोलते हैं वो ले चल जाते हैं। हम लोग के भी मने कि लॉकडाउन नियमों का पालन होता है कि दूरी बनाए रहते हैं, अपना पूरा सामग्री के साथ वहाँ वितरण में मौजूद रहते हैं। शिवजी यादव नाम हुआ, कुरथौल गायत्री नगर। ये जो वितरण कर रहे हैं कितने लोग मिलके आप कर रहे हैं? हम लोग 4 मिलके शुरू किए थे, पहले 4 आदमी मीटिंग किए तो हुआ कि बड़ा वो आए, बड़ा वो बैठक जब यहाँ हुआ 28 तारीख के 7 बजे, तो 2-4 वो आओ बड़ाओ के नाम बताएं, वो भी दान दिए और बाहर से भी दान आ रहा है, कुछ गांव के भी दान दिए हैं, हम लोग भी दान दिए, उसमें देने वाला भी का नाम है और बांटने वाला 500 पैकेट अभी कैप बट चुका है। बटने में गायत्री नगर है, परशुराम चक है, नथुपुर है, रहमपुर है, परसा है, खपरेल चक है, चंदा चक है, दरियापुर, इतना अभी तक गांव बट चुका है। बाकी गांव अभी यादव चक राते बटा है, कुरथौल पुराना गांव में आज 128 पैकेट का लिस्ट बनाए हैं, कल आज बड़ा वो पैक होगा और 11 बजे बड़ा वो आते हैं तो बांट। अच्छा, ये जो वितरण करते हैं इसके लिए कोई लिस्ट बनाए या कोई कार्ड देखने के लिए देखते हैं तब देते हैं उसको? जी नहीं, किसी सर, कोई भी जो आया सब लोग गांव घूमते हैं और देखते हैं उसकी मजबूरी, उसी अध्ययन से नाम उसको लिखते हैं। जिस मोहल्ला में जाते हैं वहां से सम्मानित आदमी से पूछते हैं कि आपके मोहल्ला में अगर कोई ऐसा भूखा मर रहा है उसका नाम आप बताइए,
वो नाम बताते हैं, हम लोग अपनों से भी देखते हैं कि इसको देना चाहिए, उसका नाम लिख लेते हैं और लिस्ट फिर बड़ा बाबू के देते हैं और गाड़ी पर लोड होता है, जहाँ तक गाड़ी जा पाता है वहाँ तक रुकते हैं और वहाँ उससे बुला के सामान बड़ा। सरकार की तरफ से कोई सहयोग राशि? कोई सहयोग अभी तक नहीं आया सरकार की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक लाइव, पटना।